एक खातून ने पूछा है कि क्या ख्वातीन घर में अकेली ये रकतें तरावी की रकतें पढ़ सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल पढ़ेंगी, पढ़ सकती हैं या नहीं में तो एक लगता है कि चॉइस है, भी पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें। ये याद रखें कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा नमाज है, और सुन्नत मुअक्कदा उस अमल को कहते हैं कि जिसका करना ज़रूरी होता है, यानी एक दो बार तर्क किया तो बुरा किया, गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन आदत बना लें यानी लगातार 3 दफ़ा तर्क करें तो अब गुनाहगार भी होंगे। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा तरावी को मर्द भी अदा करेंगे और ख़वातीन भी अदा करेंगी। ख़वातीन अपने घर में अदा करेंगी, और याद रखें कि पूरे रमज़ान की 30 रातें या 29 जितने भी हों, 20 रकत तरावी पढ़ना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें, यह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब यह है कि मोहल्ले में से चंद लोगों ने भी मस्जिद में आकर अगर तरावी को जमात से अदा कर दिया तो बाकी से जमात का मुतालबा साकित हो जाएगा। लेकिन यह कहने का मकसद नहीं है कि आप अपने घर में तरावी अदा करें, इज्तिमाही तौर पर नमाज अदा करें यह अफजल होता है। लेकिन बहरहाल अगर कोई सुस्ती करके भी तरावी की जमात में शामिल नहीं होता लेकिन पूरी 20 रकत तरावी अदा करता है तो उसकी सुन्नत मौकदा अदा होगी, और तर्क जमात की वजह से गुनाहगार तो नहीं कहेंगे लेकिन बेहतर नहीं है कि वो इस तरह करें। तो ख़वातीन अपने घर में पढ़ें।